Hello and assalamu alaikum to lecture 5 of React.js beginner to expert level course. Last lecture mein humne dekha Redux library ko, uske main features ko, main components ko aur humne phir dekha ki hum kis tarike se Redux ko apni React app mein integrate karke aur apni app ko simplify kar sakte hain. Aaj hum dekhenge React hooks ko. What are hooks? React की डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से दे लेट यू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स विदाउट राइटिंग अ क्लास. रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन में हुक्स को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि ये आपको कैपेबिलिटी देते हैं कि आप बगैर क्लास बनाए या बगैर क्लास कॉम्पोनेंट्स बनाए फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स में ही स्टेट और बाकी रिएक्ट फीचर्स यूज कर सकते हैं. अभी तक हमने देखा है कि फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो स्टेटलेस कॉम्पोनेंट्स होते हैं और जो क्लास कॉम्पोनेंट्स होते हैं सिर्फ उनमें हम अपनी स्टेट भी डिफाइन कर सकते हैं और लाइफ साइकिल मेथड्स भी सिर्फ उन्हीं में लिख सकते हैं. बट हुक्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद अब हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम फंक्शनल कॉम्पोनेंट के अंदर भी स्टेट को सेट करवा सकें. लाइकवाइज फंक्शनल कॉम्पोनेंट के अंदर हम अपने साइड इफेक्ट्स को हैंडल कर सकें. किस तरीके से ये हम आपको आगे जाके बताएंगे. बट बेसिक कॉन्सेप्ट हुक्स का यही है कि ये आपको क्लासेस बनाने से या क्लास कॉम्पोनेंट बनाने से प्रिवेंट कर देते हैं और आपके कोड को बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर देते हैं. व्हाई हुक्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप क्लास कॉम्पोनेंट बनाते हैं तो उसमें आपने नोट किया होगा कि आपकी क्लासेस में दिस का कीवर्ड जो है वो कई जगह पे यूज हो रहा होता है. चाहे वो आप ES5 अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपके कॉम्पोनेंट्स को बाइंड करवाने के लिए, चाहे आपने किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो उसके लिए. और ये बहुत वेल नोन रीज़न है कि जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और काफ़ी लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड करना इवन रिएक्ट के कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि उन्होंने दिस कीवर्ड को किस तरह यूज़ करना है. हुक्स हमें ये एबिलिटी देता है कि हम दिस कीवर्ड को यूज़ किए बगैर वो सारी फंक्शनैलिटी जो क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट में इम्प्लीमेंट कर सकें. लाइकवाइज जब आप क्लास कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं तो उसमें कभी कभार ये नोट करने में आता है कि वो क्लास कॉम्पोनेंट्स जो हैं सही से मिनिफाई नहीं हो पाते और हॉट रीलोडिंग में भी समटाइम्स वो इशू करते हैं और आपको बार बार रिएक्ट ऐप को किल करके और फिर रीस्टार्ट करना पड़ता है या बार बार ब्राउज़र रिफ्रेश करना पड़ता है और फिर जाके आप अपनी चेंजेस को देख पाते हैं. तो ये प्रॉब्लम्स हुक्स के अंदर सॉल्व हो जाते हैं और हुक्स में मिनिफाइंग का कोई इशू नहीं है और हॉट रीलोडिंग भी इसमें नोटिसिबली सही चलती है. थर्ड रीज़न है कि ये हमें अलाउ करती है स्टेटफुल लॉजिक को रीयूज़ करने के लिए. अब रिएक्ट के जितने हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें हमने HOCs के बारे में यही पढ़ा है कि अगर आपके दो सिमिलर लुकिंग कॉम्पोनेंट्स हों तो आप उन्हें कंबाइन करके वन कॉम्पोनेंट बना सकते हैं जिसे आप हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट कहते हैं और फिर उसके अंदर आप अपना कॉम्पोनेंट भेज के और इस तरीके से आप अपनी स्टेटफुल लॉजिक को एक जगह पर ग्रुप कर सकते हैं. हाउएवर ये काफ़ी टेडियस टास्क है कि आपके पास अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट हो तो उसे आप HOC बनाएं और फिर उसमें आप बाकी कॉम्पोनेंट्स को रैप करें और फिर वो आपको एक न्यू कॉम्पोनेंट दे, फिर आप उस कॉम्पोनेंट को यूज़ करें. तो इस सारी हैसल से हुक्स हमें बचाते हैं और हम हुक्स में आगे जाके पढ़ेंगे कस्टम हुक्स एक चीज़ होते हैं उसके थ्रू स्टेटफुल लॉजिक को रीयूज़ कर सकते हैं यूजिंग कस्टम हुक्स. फोर्थ रीज़न हमारे पास ये है कि ये कोड को फंक्शंस में स्प्लिट कर देता है इंस्टेड के लाइफ साइकिल मेथड्स में स्प्लिट करे. सो अगर हम क्लास कॉम्पोनेंट्स में देखें तो हमारे पास लॉजिक जो है वो लाइफ साइकिल मेथड्स में ब्रेक डाउन हुई हुई होती है और इस तरीके से आपका कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आपने डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स में डिफरेंट काम करवाए हुए होते हैं और कभी कभार आपने डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स में सिमिलर लुकिंग काम करवाए हुए होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम हुक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हुक्स हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम एक साइड इफेक्ट बनाएं यूजिंग
हुक जो कि कहलाता है यूज इफेक्ट, और उसमें हम अपनी सारी सिमिलर लॉजिक को ग्रुप कर लें, तो हमें इस तरीके से फंक्शंस में हम ब्रेक कर सकेंगे अपनी लॉजिक को इंस्टेड के लाइफ साइकिल मेथड्स में ब्रेक करें। ये सारी चीज़ें जो मैं कह रही हूँ, ये आगे जाके जब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं हुक्स के बारे में जो कि हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हुक्स जो है वो रिएक्ट के 16.8 वर्जन या इससे अबव वर्जन में अवेलेबल हैं। सो अगर आप इससे बिलो कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप हुक्स यूज़ नहीं कर सकते, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपना वर्जन अगर आप हुक्स यूज़ करना चाहते हैं। सेकेंडली, हुक्स जो है वो एक ऑप्ट इन फीचर है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप हुक्स यूज़ करें, पर आप ऑप्ट इन कर सकते हैं हुक्स यूज़ करने की ऑप्शन अपनी एप्लीकेशन में। थर्डली, जो भी आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं रिलेटेड टू स्टेट, प्रॉप्स, लाइफ साइकिल मेथड्स, क्लास कॉम्पोनेंट्स, वो सारे रिप्लेस नहीं करता हुक्स। हाँ, उनको इसने मेंट किया है और इम्प्रूव किया है, और ये इट्स टोटली अप टू यू एंड अप टू योर प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स के आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। लास्टली, क्लास कॉम्पोनेंट्स फीचर जो है वो रिएक्ट ने अपनी न्यू अपडेट के अंदर से रिमूव नहीं किया, सो आप अभी भी क्लास कॉम्पोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट है तो। सबसे पहला हुक है यू स्टेट हुक। यू स्टेट हुक एक फीचर है जो रिएक्ट ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, और इस फीचर के थ्रू हम फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स में स्टेट यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने ये पढ़ा था कि फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स में स्टेट यूज़ नहीं हो सकती है, वो स्टेटलेस कॉम्पोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपने फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स में स्टेट यूज़ करनी हो तो फिर आप यूज स्टेट हुक के थ्रू ये काम करवा सकते हैं। अब हम यूज स्टेट हुक को विद एन एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने एक क्लास कॉम्पोनेंट बनाया हुआ है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हुक कॉम्पोनेंट बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लास कॉम्पोनेंट में क्या हो रहा है। कॉम्पोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मैंने अपना क्लास कॉम्पोनेंट रखा हुआ है काउंटर डॉट जे एस के नाम से। ये क्लास कॉम्पोनेंट है जिसके कंस्ट्रक्टर में मैं एक स्टेट सेट करवा रही हूँ काउंट के नाम से, जिसे इनिशियल वैल्यू जीरो की मिल रही है। रेंडर मेथड में मैं जे एस एक्स प्रिंट करवा रही हूँ, जिसमें एक पी टैग में मेरे पास काउंट प्रिंट हो रहा है जो कि मेरी स्टेट से आ रहा है। इसके अलावा मेरे पास दो बटन्स हैं और दोनों बटन्स पे मैंने दो हैंडलर पास करवाए हुए हैं, इंक्रीमेंट काउंट और डिक्रीमेंट काउंट के। इंक्रीमेंट काउंट में मैं स्टेट सेट करवा रही हूँ अपने काउंट की, प्रीवियस स्टेट उठा के उसमें +1 कर रही हूँ। इसी तरह डिक्रीमेंट काउंट में मैं प्रीवियस स्टेट से काउंट उठा के और उसमें -1 कर रही हूँ। तो ये मेरा सिंपल सा एक काउंटर का कॉम्पोनेंट है। अब मैं इसको रन करती हूँ टर्मिनल में जाके। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि एप डॉट जे एस में मैंने फिलहाल इसको हम कर देते हैं कमेंट, और ये हमारे पास खाली एप डॉट जे एस में काउंटर का कंपोनेंट जो कि क्लास कंपोनेंट है ये रेंडर हो रहा है। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट को रन करती हूँ और ये आप देख सकते हैं कि हमारा काउंटर कंपोनेंट रेंडर हो गया। इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं एज यूजुअल। अब मैं आपको इस क्लास कंपोनेंट का काउंटर पार्ट दिखाऊंगी जो कि मैंने हुक्स यूज़ करते हुए या स्पेसिफिकली यूज स्टेट का हुक यूज़ करते हुए बनाया है, और मैं आपको बताऊंगी कि ये क्लास कंपोनेंट किस तरीके से मैच करता है इस हुक कंपोनेंट से, और क्या डिफरेंसेस हैं, और किस तरीके से हम हुक कंपोनेंट बनाते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक और फोल्डर बना लिया है हुक्स का, और उसके अंदर मैंने कॉम्पोनेंट बनाया है काउंटर हुक का। काउंटर हुक हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होगा, ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात है जो कि हुक्स की होती है कि ये हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ से सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि रिएक्ट पैकेज से यू स्टेट को इंपोर्ट करवाना है। यू स्टेट को इंपोर्ट करवाने के बाद यूज़ करने का तरीका कुछ यूँ है। यू स्टेट लिखूंगी और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं अपनी इनिशियल वैल्यू दे दूंगी। यहाँ मैंने इनिशियल वैल्यू ज़ीरो देनी थी तो मैंने यू स्टेट के अंदर ज़ीरो पास कर दिया। अब ये यू स्टेट का हुक हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक तो हमारी स्टेट का नाम और एक सेटर फंक्शन। यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर करूँगी और उसके अंदर मैं ये दोनों चीज़ें गेट कर लूँगी, एक
फर्स्ट पैरामीटर मेरा स्टेट होगा, जिसका मैं जो भी नाम रखूंगी वही मेरी स्टेट का नाम हो जाएगा। और सेकंड सेटर फंक्शन होगा जो कि स्टेट को सेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और इसका भी जो भी मैं नाम रखूंगी ये हमारे ऊपर है, फंक्शनैलिटी इसकी वही होगी स्टेट सेट करने वाली। अब देख लेते हैं कि हमने रिटर्न मेथड में क्या करवाया है। फंक्शनल कंपोनेंट है तो इसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट होगी, रिटर्न के अंदर हम JSX रिटर्न करवा रहे हैं जो कि एग्जैक्टली वही JSX है जो कि हम काउंटर डॉट JS के अंदर रिटर्न करवा रहे थे। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे अगर आप नोट करें तो हम हैंडलर्स को दिस के कीवर्ड के साथ कॉल करते थे ऑन क्लिक के ऊपर या सेंड करवाते थे, जबकि हुक्स के अंदर मैंने बताया था कि दिस कीवर्ड हम यूज़ नहीं करते और इस वजह से यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने हैंडलर का नाम लिखते थे। अब देख लेते हैं कि हैंडलर जहाँ हमने डिक्लेयर किए हुए हैं उसका क्या तरीका है हुक्स में। तो अगर आप देखें हम क्लास कंपोनेंट में इस तरीके से हैंडलर्स को डिक्लेयर करते थे कि हैंडलर का नाम इज़ इक्वल टू आर्ग्यूमेंट्स या एम्प्टी राउंड ब्रैकेट्स अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, एरो और आगे हमारी ब्लॉक होता था जिसके अंदर हमारी लॉजिक होती थी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका था किसी भी फंक्शन बनाने का, कोई भी फंक्शन बनाने का ES6 में। हुक्स के अंदर हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस फंक्शन को हम सेव करवा देंगे एक कांस्टेंट के अंदर और फिर इस कांस्टेंट को हम डायरेक्टली ऑन क्लिक्स पे यूज़ करेंगे। तो ये सिर्फ डिफरेंस है क्लास कंपोनेंट और हुक्स के अंदर फंक्शंस डिफाइन करने का। इससे पहले जो हमने फंक्शनल कंपोनेंट्स पढ़े थे उसमें ना सिर्फ स्टेट सेट हो सकती थी बल्कि उसके अंदर मजीद फंक्शंस भी नहीं बन सकते थे, तो ये हुक्स हमें एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम इनके अंदर ही फंक्शंस क्रिएट कर सकें। अब आपने हैंडलर में यहाँ पर देखा होगा कि हमने प्रीवियस स्टेट उठाई है सेट स्टेट के अंदर एक फंक्शन के थ्रू, और इसके आर्ग्यूमेंट में हमारे पास प्रीवियस स्टेट आती थी और फिर प्रीवियस स्टेट से हमने जिस भी स्टेट को अपडेट करवाना हो डॉट नोटेशन से हम उसको गेट करते थे और फिर उसमें जो भी हमने अपडेशन करनी होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस वन करना है तो हम प्लस वन करके और फिर वापस ये वैल्यू उस स्टेट की वैल्यू में डाल देते थे। तो ये तरीका था, हमने पहले भी इसे देखा है स्टेट सेट करने का जब आपको प्रीवियस स्टेट के थ्रू न्यू स्टेट सेट करवानी हो। यही काम हम हुक्स में इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा सेटर फंक्शन है सेट काउंट का, उसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर आ रहा होता है जो कि हमें प्रीवियस स्टेट की वैल्यू प्रोवाइड करता है। हम वो उठाते हैं सिंपली एक फंक्शन यानी बेसिकली सेट काउंट के अंदर पास कर देते हैं और उसके अंदर जो हमारे पास प्रीवियस स्टेट आ रही होती है उसमें हम अपडेशन कर देते हैं और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। ये तो था तरीका प्रीवियस स्टेट के थ्रू काउंट को सेट करवाने का। लेट्स से अगर हमें प्रीवियस स्टेट के थ्रू काउंट को नहीं सेट करवाना और हमें कम्प्लीटली न्यू वैल्यू सेंड करनी हो तो हम सिंपली ये करेंगे कि सेट काउंट के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वो वैल्यू सेंड कर देंगे जो कि हम अपने काउंट की अपडेशन के लिए चाहते हैं कि उसमें चली जाए। तो अब तक हमने देखा कि आप काउंट या अपनी स्टेट को किस तरीके से सेट करवा सकते हैं यूजिंग प्रीवियस स्टेट एज वेल एज न्यू स्टेट। अब हम देखेंगे कि हम यू स्टेट के अंदर कौन कौन सी टाइप्स की वैल्यूज सेंड कर सकते हैं। आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू इसमें सेंड कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो एरे हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। अब एरे और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पे सेट करवा सकते हैं और फिर उन्हें किस तरीके से इनिशियल वैल्यू भी आप दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक और स्टेट बनाऊँ, इनिशियल वैल्यू सेट कर देंगे और यहाँ पे लेट्स से मैंने लास्ट नेम सेट करवाना हो तो यहाँ पे हम प्रीवियस स्टेट गेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्प्रेड नोटेशन यूज़ करते हुए प्रीवियस स्टेट के अंदर अपेंड करवा देंगे एक न्यू प्रॉपर्टी जिसको लेट्स से मैं कह देती हूँ लास्ट नेम, और इस तरीके से मैंने अपनी स्टेट को सेट करवा दिया जब हमारी इनिशियल वैल्यू एक ऑब्जेक्ट थी। लाइकवाइज अगर यही काम हम एरेज के लिए करवाएं तो इस तरीके से करवा सकते हैं। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में एम्प्टी एरे पास करवा सकती हूँ, पॉपुलेटेड एरे भी पास करवा सकती हूँ और
एमटी एरे भी पास करवा सकती हूँ। अब यहाँ पे एक हैंडलर बनाते हैं जिसके अंदर हम अपडेट करेंगे अपने एजेस के स्टेट को। एरे टाइप की स्टेट को भी अपडेट करवाने का तरीका कुछ वैसा ही होगा जिस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को अपडेट करवाया है स्प्रेड नोटेशन के थ्रू। यहाँ पे हम एक एरे लेंगे और उसमें स्प्रेड करवा देंगे प्रीवियस स्टेट, जिससे हमारी करंट वैल्यू जो कि स्टेट के अंदर पड़ी हुई है वो हमारे पास आ जाएगी, और सिंपली इसमें हम अपेंड करवा देंगे अपनी न्यू वैल्यू को, लेट से जो कि एक नंबर है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है सेट एजेस भी हमने कर लिया है जो कि एक एरे को अपडेट कर रही है, और सेट नेम भी कर लिया है जो कि एक ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रही है। और इस तरीके से हमारे पास हमने सारी टाइप्स देख ली हैं यूज स्टेट को यूज़ करने की। अब हमने ये जो एक स्टेट यूज स्टेट यूज़ करते हुए एक हुक कंपोनेंट बनाया है, इसको हम इंपोर्ट करवा देते हैं app.js में इस तरीके से, और उसके बाद हम इसे रेंडर करवा देते हैं अपने क्लास कंपोनेंट के साथ app.js में, और फिर देखते हैं दोनों काउंटर्स का बिहेवियर। टॉप काउंटर हमारा क्लास कंपोनेंट है और बॉटम काउंटर हमारा हुक कंपोनेंट है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो काउंटर आ रहे हैं, ये क्लास कंपोनेंट वाला काउंटर है और ये हमारा हुक कंपोनेंट वाला काउंटर है। दोनों सेम तरीके से चल रहे हैं, दोनों की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन दोनों के कोड में आप क्लियरली फ़र्क देख सकते हैं कि किस तरीके से काउंटर हुक जो है उसने हमारे कोड को रिड्यूस भी किया और सिंप्लीफाई भी किया, और किस तरीके से इसने हमारी डेवलपमेंट को फास्ट बनाया है। अब हम देखेंगे यूज़ इफेक्ट हुक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हुक है और बेसिकली ये यूज़ होता है साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करने के लिए अपने कॉम्पोनेंट के अंदर। अगेन यूज़ इफेक्ट यूज़ होता है फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स में लाइफ साइकिल मेथड्स के ऑल्टरनेटिव के तौर पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज इफेक्ट ऑल्टरनेट करता है कॉम्पोनेंट डेड माउंट, कॉम्पोनेंट डेड अपडेट और कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट के लाइफ साइकिल मेथड्स को। इससे पहले हमने देखा था कि फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स में आप लाइफ साइकिल मेथड्स यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन यूज इफेक्ट हुक के फीचर के बाद आप साइड इफेक्ट्स अपने कॉम्पोनेंट में बहुत ईजीली हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो API कॉल हो चाहे वो DOM मैनिपुलेशन हो, आप इजीली यूज इफेक्ट हुक को यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस तरह कर सकते हैं ये अब हम आगे देखेंगे। कोड में जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास वही क्लास कॉम्पोनेंट है जो कि हमने यूज स्टेट के केस में देखा था। सिर्फ यहाँ पे हमने दो चीज़ें ऐड की हैं, एक तो कॉम्पोनेंटेड माउंट का लाइफ साइकिल और एक कॉम्पोनेंटेड अपडेट का लाइफ साइकिल। इन दोनों लाइफ साइकिल्स में हम डॉक्यूमेंट के टाइटल को अपडेट करवा रहे हैं। कॉम्पोनेंट डेड माउंट में हम क्या कर रहे हैं कि एज सून एज हमारा कॉम्पोनेंट माउंट हो जाए तो डॉक्यूमेंट टाइटल हमारे स्टेट से काउंट उठाए और वो डिस्प्ले करवा दे काउंट इज, और वो सर्टेन नंबर स्टेट से डिस्प्ले करवा दे। लाइकवाइज हमने कॉम्पोनेंट डेड अपडेट में भी यही काम किया है, और उसकी रीज़न ये है कि एवरी टाइम हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करें अपने काउंटर में, तो जब हमारी स्टेट अपडेट हो और कॉम्पोनेंट री रेंडर हो, तो हमने इनिशियली देखा था कि कॉम्पोनेंट डेट अपडेट हमेशा रन होता है। जब भी अपडेशन हो आपके कॉम्पोनेंट में तो कॉम्पोनेंट डेट अपडेट में भी हमने ये लॉजिक लगा दिया ताकि हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे भी हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल रन होता रहे। app.js में जाएंगे, यहाँ पे हम काउंटर हुक को कमेंट आउट करेंगे और अपने क्लास कंपोनेंट को अनकमेंट करके देख लेते हैं कि ब्राउज़र में हमारा करेंटली क्लास कंपोनेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये हमारा काउंटर है, कॉम्पोनेंट डेड माउंट की लॉजिक की वजह से यहाँ इनिशियली टाइटल आ रहा है काउंट इज ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है। यहाँ मैं इंक्रीज़ करूँगी, आप देख सकते हैं टाइटल भी इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ करूँगी तो टाइटल में भी चेंज आ रहा है। अब हम इसके काउंटर पार्ट को देखेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी बना लिया है और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो हम काउंटर हुक में जाएंगे, एग्जैक्टली ये वही कॉम्पोनेंट है जो यूज स्टेट में हमने यूज़ किया था, एक्सेप्ट कि इसमें एक हमने एडिशन की है जो कि है यूज़ इफेक्ट की। यूज़ इफेक्ट जिस तरीके से आपने यूज स्टेट को इम्पोर्ट करवाया था उसी तरीके से यूज़ इफेक्ट को भी आप रिएक्ट के पैकेज से इम्पोर्ट करवा लेंगे, और इसे यूज़ करने का तरीका यह है कि आप लिखेंगे यूज़ इफेक्ट और इसके आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे एक फंक्शन। उस फंक्शन के अंदर बेसिकली आप वो सब कुछ एग्जीक्यूट करवाएंगे जो कि आप इस इफेक्ट के अंदर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं।
अब वापस counter.js के अंदर अगर हम जाएं तो हमने component did mount के अंदर जो logic लिखी थी हम as it is इसे copy करेंगे और अपने function के अंदर लिख देंगे. Except यहाँ पे this.state.count होने के बजाय खाली count होगा क्योंकि यहाँ पे हमारी state में count है. अब हम इसे run करके देखते हैं app.js में. इसको class component को हम comment करते हैं और hook को uncomment करके और देखते हैं कि अब क्या बिहेवियर है हमारे ब्राउजर में. तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा काउंटर आ रहा है और ये भी क्लास कंपोनेंट की तरह बिल्कुल एफिशिएंटली टाइटल को अपडेट कर रहा है. यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यूज इफेक्ट के अंदर इस आर्ग्यूमेंट के फंक्शन के अंदर आप जो भी लॉजिक लिखते हैं वो हर रेंडर पे रन होती है. दैट इज़ राइट, जब भी आपका कॉम्पोनेंट माउंट होता है या अपडेट होता है तो ये हर साइकिल पे या हर आइट्रेशन पे ये लॉजिक रन होगी. अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूज़ इफेक्ट खाली कॉम्पोनेंटेड माउंट के बिहेवियर को रेप्लिकेट करे, यानी कि सिर्फ तब रन हो जब आपका कॉम्पोनेंट पहली दफ़ा माउंट हो रहा है, तो उसका ये तरीका है कि आप यूज़ इफेक्ट के सेकंड आर्गुमेंट में एम्प्टी एरे पास करवा देंगे. एम्प्टी एरे जब आप पास करवाएंगे तो यूज़ इफेक्ट को बेसिकली यहाँ पे यूज़ इफेक्ट सेकंड आर्गुमेंट में डिपेंडेंसीज लेता है, यानी कि किन चीज़ों पे आपका यूज़ इफेक्ट या किन वेरिएबल्स पे आपका यूज़ इफेक्ट डिपेंडेंट है. अगर ये एरे एम्प्टी सेंड करेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि आपने यूज़ इफेक्ट को फर्स्ट टाइम सिर्फ रन करना है और हर रेंडर पे रन नहीं करना. इसको हम देख लेते हैं ब्राउज़र में. अब आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टाइम रन हुआ जब हमारा कंपोनेंट अपडेट हुआ. दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काउंट इज़ ज़ीरो आ रहा है. अब आप जब इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो आपका टाइटल चेंज नहीं होगा. उसकी रीज़न ये है कि आपका यूज़ इफेक्ट से फर्स्ट टाइम रन हुआ है जो कि माउंट पर रन हुआ है और अब आपके कॉम्पोनेंट की अपडेशन पर ये रन नहीं हो रहा. अब हम एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे. अभी हमने देखा कि यूज़ इफेक्ट को आप किस तरीके से विदाउट डिपेंडेंसी एरे और एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं. एम्प्टी एरे के साथ जो है वो कॉम्पोनेंट डिड माउंट का लाइफ साइकिल को रेप्लिकेट करता है और अगर आप वो डिपेंडेंसी एरे हटा दें तो फिर वो हर रेंडर पर रन होता है. अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल रखी है. JSX में मैंने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड को ऐड किया है, टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर रख दिया है, वैल्यू मैंने रख दी है नेम के इक्वल जो कि हमारी स्टेट है जिसके अंदर इस इनपुट वैल्यू की अंदर जो भी हम लिखेंगे वो वैल्यू सेव होगी, और एक ऑन चेंज मेथड के अंदर मैंने हैंडलर को करंटली जो भी लिखा जा रहा है इनपुट फील्ड में वो पास करवा दिया. ये हमारा हैंडलर है हैंडल इनपुट चेंज का जो कि रिसीव कर रहा है एक वैल्यू और उस वैल्यू को वो सेव कर रहा है सेट नेम के सेटर फंक्शन के अंदर नेम की स्टेट में. यहाँ पे मैंने यूज स्टेट ली है जिसे इनिशियल वैल्यू मैं एम्प्टी भेज रही हूँ और इस स्टेट का नाम मैंने नेम रख दिया है और सेटर फंक्शन का नाम सेट नेम रख दिया है. अब हम ब्राउज़र में देखते हैं इसको. यूज़ इफेक्ट में अगर हम एक कंसोल स्टेटमेंट ऐड कर दें तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा यूज इफेक्ट कब कब रन हो रहा है. अब ब्राउजर में जाके देखते हैं. यहाँ हमने इंस्पेक्ट को चलाया हुआ है, कंसोल को क्लियर कर देते हैं. अब आप देख सकते हैं कि हमारा टाइटल जो है वो अपडेट हुआ है. यहाँ पे हम इंक्रीज करते हैं और हमारा इफेक्ट जो है वो रन हुआ है. डिक्रीज करते हैं तो हमारा इफेक्ट रन हुआ है. यहाँ पे मैं कोई नेम लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैक्सवेल, तो अब आप देख सकते हैं कि 7 लेटर्स मैंने लिखे हैं तो मेरा यूज़ इफेक्ट 7 टाइम्स चला है. हालांकि इस यूज़ इफेक्ट ने टाइटल में कुछ भी चेंज नहीं किया. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली यूज़ इफेक्ट हमारा 7-8 टाइम्स या जितनी दफ़ा भी हम कुछ टाइप कर रहे हैं इनपुट फील्ड में वो एक्स्ट्रा रन हो रहा है. तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है डिपेंडेंसी एरे का. डिपेंडेंसी एरे बेसिकली सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है यूज़ इफेक्ट का जो कि हम पास करते हैं, और इस एरे के अंदर हम वो सारी डिपेंडेंसीज लिस्ट डाउन कर देते हैं जिस पे आपका यूज़ इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट है. अब यहाँ पे टाइटल हमारा डिपेंडेंट है सिर्फ काउंट पे, तो हम डिपेंडेंसी एरे में काउंट लिख देंगे
और ये लिखवाने का मतलब ये होगा कि एवरी टाइम काउंट चेंजेस, काउंट जब आपका अपडेट हो रहा है तो आपने इस यूज इफेक्ट को चलाना है। अदरवाइज अगर आपका यहाँ पे दूसरा स्टेट, हम दूसरी स्टेट हमारे पास जो है वो नेम है, लेट्स से अगर हमारे नेम चेंज हो रहा है या अपडेट हो रहा है तो उस नेम का इस यूज इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस यूज इफेक्ट को रन नहीं होना चाहिए। वापस जाते हैं ब्राउजर में और देखते हैं कि अब किस तरीके से हमारा यूज इफेक्ट चल रहा है। क्लियर कर देते हैं कंसोल को। इंक्रीज डिक्रीज किया तो हमने एज एक्सपेक्टेशन ये देखा कि यूज इफेक्ट रन हो रहा है। इसको आप दोबारा क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई नेम मैं लिखती हूँ, तो आप नोट कर सकते हैं कि हमारे पास कंसोल क्लियर है, दैट मीन्स हमारा यूज इफेक्ट रन नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमाइजेशन करवा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं एक्स्ट्रा रनिंग ऑफ यूज इफेक्ट। अब जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग हुक्स एंड यूजिंग यूज इफेक्ट हुक। बेसिकली इसे हम कोड के एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सो यहाँ पे app.js में मैं एक कॉम्पोनेंट कॉल कर रही हूँ जिसका नाम मैंने रख लिया काउंटर रैपर। इसके अंदर देखते हैं क्या है। काउंटर रैपर के अंदर पहले रेंडर मेथड देख लेते हैं। रेंडर मेथड के अंदर मैंने एक काउंटर बटन रेंडर करवाया है और उस काउंटर बटन से एक स्टेट अपडेट हो रही है और उस स्टेट की बेसिस पे हमारा काउंटर जो है वो रेंडर हो रहा है। काउंटर रैपर का रेंडर मेथड अगर देखें तो इसमें एक काउंटर बटन नाम का कंपोनेंट रेंडर करवाया हुआ है मैंने। इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। ये एक सिंपल बटन है जो कि ऑन क्लिक हैंडलर रिसीव कर रहा है और नेम रिसीव कर रहा है अपने पेरेंट्स से। सेकंड हमने काउंटर बिगिन के साथ ये कंडीशनल रेंडरिंग करवाई है काउंटर टू की। काउंटर बिगिन क्या है, ये हमने स्टेट में एक वेरिएबल रखा हुआ है काउंटर बिगिन के नाम से जिसकी इनिशियली वैल्यू फॉल्स होगी और जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगी और दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी। यानी ये एक काउंटर को टॉगल करने के लिए एक बटन हमने बनाया है। ये इसका हैंडलर है, इसमें हम टॉगल कर रहे हैं अपने काउंटर बिगिन के स्टेट को ट्रू एंड फॉल्स के दरमियान। और ये एक और फंक्शन है गेट नेम जो कि इस टॉगल की बेसिस पे इस बटन का नेम चेंज करेगा फ्रॉम स्टॉप काउंटर टू स्टार्ट काउंटर एंड वाइस वर्सा। तो ये एक हमारा रैपर कंपोनेंट है। इसके अंदर काउंटर टू का जो कंपोनेंट है बेसिकली ये वो कंपोनेंट है जो कि हमारे काउंटर को इम्प्लीमेंट करेगा। इसे देख लेते हैं, ये भी एक क्लास कंपोनेंट है। इसके अंदर मैं सिंपल काउंट को रेंडर करवा रही हूँ और कुछ नहीं है। और इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि कंपोनेंट डिड माउंट में मैंने इंटरवल सेट किया है 1 सेकंड का और हर 1 सेकंड बाद जो है मैंने अपने काउंटर में +5 करवाया है जो कि मैं डिस्प्ले काउंटर के मेथड के अंदर कर रही हूँ। सो हमारा कंपोनेंट माउंट होगा और उसके बाद जो है ये इंटरवल सेट हो जाएगा जिसमें डिस्प्ले काउंटर रन हो जाएगा और इस तरीके से हर सेकंड 1 सेकंड के बाद हमारा काउंटर जो है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको ब्राउज़र में चला के देखते हैं। कंसोल खोल लेते हैं और इसके लॉग्स क्लियर कर देते हैं। यहाँ से मैंने काउंटर स्टार्ट किया और मेरा काउंटर जो है वो माउंट हुआ और उसके बाद जो है अपडेट होना स्टार्ट हो गया। अब मैं अपने काउंटर को स्टॉप करूँगी और इससे होना ये चाहिए कि ये कॉम्पोनेंट काउंटर का हाइड हो जाना चाहिए। तो मैंने स्टॉप किया और यहाँ पे मेरे पास एक वार्निंग आई है जो कि कह रही है कांट परफॉर्म अ रिएक्ट स्टेट अपडेट ऑन अनमाउंटेड कंपोनेंट, दिस इज अ नो ऑप बट इट इंडिकेट्स अ मेमोरी लीक इन योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इंडिकेशन हमें आई है कि हमारी मेमोरी लीक हो रही है। किस तरीके से, अगर आप ये नोट करें तो हमारा काउंटर का कंपोनेंट अनमाउंट हो गया है। अब हमारे पास डॉम पे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉग्स देखें तो काउंटर इज अपडेटिंग का लॉग हमारे पास अभी तक आ रहा है, विच मीन्स कि हमारा काउंटर जो है वो या जो स्टेट हम सेट करवा रहे थे अपनी वो अभी तक सेट हो रही है। तो उस स्टेट को सेट ना होने से रोकने के लिए, बिकॉज ये कंपोनेंट अनमाउंट हो गया है, तो हमें स्टेट को अपडेट करना भी रोकना होगा और उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंपोनेंट विल अनमाउंट।
सो यहाँ पे हम कंपोनेंट विल अनमाउंट ऐड कर देंगे और उसके अंदर क्लियर इंटरवल का फंक्शन कॉल करके, और ये जो रेफरेंस था जिसके अंदर हमारी इंटरवल आईडी सेव हो रही थी कंपोनेंट अमाउंट में, वो पास कर देंगे जिससे हमारा इंटरवल क्लियर हो जाएगा। वापस जाके चेक करते हैं यही चीज़। कंसोल क्लियर, मैंने काउंटर स्टार्ट किया, काउंटर अपडेट होना स्टार्ट हुआ। अब मैं स्टॉप काउंटर करूँगी, मेरा काउंटर हाइड हो गया विच मीन्स अनमाउंट हो गया, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ना वो वार्निंग आ रही है और ना ही यहाँ पे हमारे पास लॉग्स आ रहे हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि हमारा स्टेट अपडेशन जो है वो कंपोनेंट के अनमाउंट होने के साथ स्टॉप हो गई है क्योंकि हमने इंटरवल क्लियर कर दिया है। अब यही काम मैं आपको हुक्स के थ्रू करना सिखाऊंगी। यहाँ पे काउंटर रैपर में जहाँ हमने क्लास कंपोनेंट को रेंडर करवाया हुआ था, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, और जहाँ हमने हुक बनाया हुआ है उसे अनकमेंट कर देंगे। और अब देखते हैं काउंटर हुक में क्या है, काउंटर टू हुक में क्या है। काउंटर टू हुक हमारा एक और काउंटर का फंक्शनल कंपोनेंट है या हुक है जिसके अंदर हम यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। इसके रेंडर में या रिटर्न स्टेटमेंट में हम सिंपली अपने अकाउंट को डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है डिस्प्ले काउंटर का, जो कि मेरे अकाउंट को +5 करता जा रहा है प्रीवियस स्टेट से उठा के। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कंपोनेंट अमाउंट का मैकेनिज्म को रेप्लिकेट करने के लिए एक यूज़ इफेक्ट यूज़ किया हुआ है जिसमें मैं सेट इंटरवल करवा रही हूँ और डिस्प्ले काउंटर के मेथड को कॉल कर रही हूँ, और 1 सेकेंड का इंटरवल मैंने इसे दिया हुआ है। अब इसमें भी यही होगा कि सिंस ये हमारे हर रेंडर पे रन होता है और हमारा हर रेंडर पे काउंट हम इंक्रीज करवा रहे हैं +5, तो जब हम बटन से टॉगल ऑफ करेंगे काउंटर को तो भी ये हमारा यूज़ इफेक्ट रन होता रहेगा जो कि परफॉर्मेंस इश्यूज क्रिएट करेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे भी क्लीन अप करना होगा जैसे कि हमने कंपोनेंट विल अनमाउंट में किया था। उसके लिए एक सिंपल सा हम काम करेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न और एक फंक्शन बनाएंगे, और इस फंक्शन के अंदर हम क्लियर इंटरवल करवा देंगे और इस क्लियर इंटरवल में आईडी भेज देंगे जो हमें काउंटडाउन में सेव करवा रहे हैं। और इस तरीके से ये कंपोनेंट जो है हमारे इंटरवल को क्लीन अप कर देगा। वापस जाते हैं ब्राउज़र में। कंसोल क्लियर करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा काउंटर रन होना स्टार्ट हो गया, अपडेट हो रहा है, और अब हम स्टॉप करेंगे और ये हाइड हो गया, और अब आप देख सकते हैं कि लॉगिंग भी स्टॉप हो गई है विच मीन्स कि हमारा इंटरवल क्लियर हो गया है। तो ये तो कुछ यूजेस थे यूज़ इफेक्ट के, जिसमें हमने देखा कि आप यूज़ इफेक्ट के थ्रू कंपोनेंट अमाउंट का किस तरीके से अल्टरनेटिव बना सकते हैं, कंपोनेंट डेट अपडेट का और कंपोनेंट विल अनमाउंट का। नेक्स्ट हुक जो हम देखेंगे वो है यूज़ कॉल बैक हुक। ये एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हुक यूज़ किया जाता है जो कि रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये हैंड्स इन हैंड्स चलता है यूजुअली विद रिएक्ट डॉट मेमो। नाउ रिएक्ट डॉट मेमो इज़ नॉट सेम एज द यूज़ मेमो हुक जो कि एक और हुक है। रिएक्ट डॉट मेमो बेसिकली एक HOC है जो कि रिएक्ट पैकेज या रिएक्ट लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए हम अपने कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय सेविंग सम रेंडर्स। अगेन रिएक्ट डॉट मेमो जो है वो कंपोनेंट की रेंडरिंग स्टॉप करने के लिए यूज़ नहीं करते हम, बल्कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते हैं। और ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करता प्रॉप्स की शैलो कंपेरिजन से है, जिससे ये डिटर्मिन करता है कि कैश्ड वर्जन यूज़ करना बेहतर है या फिर कंपोनेंट को री रेंडर होना चाहिए। सो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्ट डॉट मेमो को, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़ कॉल बैक के थ्रू मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक हुक कंपोनेंट बनाया है काउंटर रैपर हुक के नाम से,
जिसके अंदर मैं दो स्टेट्स यूज़ कर रही हूँ, एक एज और एक सैलरी। दोनों मैंने यूज स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यूज़ भेज दी हैं दोनों की, दोनों के सेटअप फंक्शन भी मेरे पास आ गए हैं। JSX में मैं एक काउंटर बटन ले रही हूँ जो कि मेरा एक और कंपोनेंट है, जो सिंपल डम कंपोनेंट है, जो कि सिंपली मेरे हैंडलर को गेट करता है और नेम को गेट करता है और एक बटन रेंडर कर देता है। इसी तरह एक और मेरा डम कंपोनेंट है काउंटर डिस्प्ले, जो कि मैंने बनाया है। उसके अंदर मैं अपना काउंट भेजूंगी और नेम भेजूंगी और वो सिंपली मेरा काउंट एक पी टैग में रेंडर करके डिस्प्ले कर देगा। इसी को रीयूज़ कर रही हूँ मैं विद डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट हैंडलर्स, डिफरेंट नेम और डिफरेंट स्टेट, और इन तीनों चीज़ों के साथ मैं इसे दोबारा से रेंडर करवा रही हूँ फॉर सैलरी। अब देख लेते हैं काउंटर बटन को। काउंटर बटन हमारा वही कॉम्पोनेंट है जो कि हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा। सिंपल ये बटन है जो कि ऑन क्लिक हैंडलर ले रहा है, नेम ले रहा है और बटन रेंडर कर देता है। काउंटर डिस्प्ले हमारा सिंपल काउंट गेट करता है प्रॉप से, और इसके अलावा एक कंसोल स्टेटमेंट क्या लगाई हुई है मैंने, जिससे पता चलता है कि ये कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है और ये सिंपली हमारे काउंट को रेंडर कर देता है। अब ब्राउज़र में चल के देखते हैं कि फ़िलहाल हमारा ये रैपर कॉम्पोनेंट जो है, जिसको मैंने app.js में फ़िलहाल इम्पोर्ट करवाया हुआ है, वो किस तरह से चल रहा है। या आप देख सकते हैं ब्राउज़र पे हमारे पास चारों कॉम्पोनेंट्स जो हमने रेंडर करवाए थे वो डिस्प्ले हो रहे हैं, और इन सब के साथ सबकी लॉग स्टेटमेंट्स भी डिस्प्ले हो रही हैं। तो इनिशियली जब हमारा पेज रीलोड हुआ, ये चारों कॉम्पोनेंट्स रेंडर हुए, तो इन चारों की रेंडरिंग लॉग्स जो है वो हमारे पास आ गए। अब इसे क्लियर करते हैं और देखते हैं कि जब हम इंक्रीमेंट एज करते हैं तो हमारे पास कितने कॉम्पोनेंट्स री रेंडर होते हैं। इंक्रीमेंट एज पे हमने क्लिक किया, चारों कॉम्पोनेंट्स री रेंडर हुए। इंक्रीमेंट सैलरी पे किया, दोबारा चारों कॉम्पोनेंट्स री रेंडर हुए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम जितनी दफ़ा भी अपने बटन्स पे क्लिक कर रहे हैं, जो बटन्स स्टेट अपडेशन से रिलेटेड नहीं भी हैं, वो भी या वो कॉम्पोनेंट्स भी दोबारा से रेंडर हो रहे हैं। अब ये तो छोटा सा एक हमारे पास सिनेरियो है जिसमें हमारे पास रेंडर में तकरीबन चार कॉम्पोनेंट्स हैं, बट देयर कुड बी कॉम्प्लेक्स एप्स जिसमें आपके पास एक रेंडर के अंदर, रेंडर मेथड के अंदर, लेट्स से 25 कॉम्पोनेंट्स रेंडर हो रहे हो। अगर वहाँ पे आप यही स्कीम फॉलो करेंगे कि एक कॉम्पोनेंट में कोई स्टेट चेंज आए तो बाकी 24 कॉम्पोनेंट्स री रेंडर हों, तो इससे आपकी ऐप काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगी। इस तरह के सिनेरियो में परफॉर्मेंस को बूस्ट देने के लिए आप रिएक्ट का एक फीचर यूज़ करते हैं जो कि है रिएक्ट मेमो। वापस जाते हैं कोड में और देखते हैं कि हम किस तरीके से रिएक्ट डॉट मेमो को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे काउंटर बटन के कॉम्पोनेंट के अंदर। रिएक्ट डॉट मेमो सिर्फ फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स पे परफॉर्मेंस बूस्टिंग कर सकता है, तो यहाँ पे हम रिएक्ट डॉट मेमो के अंदर अपना कॉम्पोनेंट सेंड करवा देंगे। रिएक्ट डॉट मेमो अगेन हमारा एक हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट है जो कि हमने इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा था। इसी तरह काउंटर डिस्प्ले को भी हम रैप करवा देंगे रिएक्ट डॉट मेमो के अंदर। वापस ब्राउज़र पे जाते हैं और अब देखते हैं कि हमारे रिएक्ट डॉट मेमो ने किस तरीके से हमारी रेंडरिंग को ऑप्टिमाइज़ किया है। लॉग्स क्लियर किए, अब मैं इंक्रीमेंट एज करूँगी। मैंने इंक्रीमेंट एज जब किया तो मेरा इंक्रीमेंट एजेस रेंडरिंग यानी कि ये बटन री रेंडर हुआ है। काउंटर डिस्प्ले इज रेंडरिंग फॉर इंक्रीमेंट एज यानी कि ये कॉम्पोनेंट रेंडर हुआ है जो कि काउंटर डिस्प्ले था। लेकिन उसके अलावा हम देखें तो इंक्रीमेंट सैलरी यानी ये वाला बटन भी री रेंडर हुआ है। एंड इट डजेंट मेक सेंस क्योंकि हमने तो खाली इसकी स्टेट चेंज की है, तो इसको चेंज होने से क्या ताल्लुक है, हम तो इसमें एज की स्टेट सेंड भी नहीं करवा रहे। लाइकवाइज अगर इसे क्लियर कर दूँ मैं और इंक्रीमेंट सैलरी करूँ तो आप नोट करेंगे कि इंक्रीमेंट एज इज रेंडरिंग यानी ये बटन भी रेंडर होगा। इसके रीज़न ये है, वापस कोड में जाते हैं, इसके रीज़न ये है कि इन दोनों बटन्स में हम दो हैंडलर सेंड करवा रहे हैं, इंक्रीज एज और इंक्रीज सैलरी।
जब भी आपका कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर होता है तो उसे ये पर्सपेक्टिव मिलता है कि हर बार ये हैंडलर क्रिएट हो रहा है। और सिंस रिएक्ट डॉट मेमो शैलो कंपैरिजन करता है तो वो ये कंपेयर नहीं कर पाता कि जो हैंडलर हमारे पास इस कंपोनेंट के अंदर आ रहा है वो हैंडलर पिछले हैंडलर जैसा ही है। सो उसे हर दफ़ा ये लगता है कि एक न्यू हैंडलर क्रिएट हुआ है और वो पास डाउन हुआ है, इसलिए हर रेंडर में वो दोनों बटन्स को, चाहे आप एज के बटन पे क्लिक करें चाहे आप सैलरी के बटन पे क्लिक करें, दोनों हैंडलर्स को वो रीबिल्ड हुआ हुआ समझता है और उसकी बेसिस पे वो काउंटर बटन को री रेंडर करवा देता है। इस तरह के सिनेरियोस के लिए हम यूज़ करते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हुक है यूज़ कॉल बैक। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से यूज़ कॉल बैक को यूज़ करते हुए मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन करवा सकते हैं अपने कॉम्पोनेंट के अंदर। सो यहाँ पे हम हैंडलर जहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पे हम कॉल करेंगे यूज़ कॉल बैक हुक को, जो कि दो पैरामीटर्स लेता है, फर्स्ट पैरामीटर फंक्शन, सेकंड पैरामीटर डिपेंडेंसी एरे। तो हम अपने हैंडलर को फर्स्ट पैरामीटर में पास करेंगे और सेकंड पैरामीटर में माई डिपेंडेंसी एरे आएगी, और इस एरे के अंदर वो सारे पैरामीटर्स या वो सारे वेरिएबल्स होंगे जिस पे हमारा हैंडलर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे सैलरी, क्योंकि हम से चेंज करवा रहे हैं सेट सैलरी के थ्रू, तो हमारा हैंडलर डिपेंडेंट है सैलरी स्टेट के ऊपर, इसलिए हम डिपेंडेंसी एरे में सैलरी पास कर देंगे। यही काम हम करेंगे इंक्रीज एज के लिए। अब वापस ब्राउज़र में चल के देखते हैं कि अब किस तरीके से रेंडरिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियली हमारे पास चारों कंपोनेंट्स रेंडर हुए। कंसोल को क्लियर करते हैं, इंक्रीमेंट एज पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे खाली दो कंपोनेंट्स अपडेट हो रहे हैं, एक हमारा इंक्रीमेंट एज और एक हमारा इंक्रीमेंट काउंट। इसी तरह इंक्रीमेंट सैलरी पे क्लिक करते हैं, अगेन हमारे पास खाली इंक्रीमेंट सैलरी और इंक्रीमेंट सैलरी का काउंट से आने वाला काउंट रेंडर हो रहा है। तो अब हमने जो एक एक्स्ट्रा रेंडर हो रहा था सेकंड बटन, उसे भी यूज़ कॉल बैक को यूज़ करते हुए प्रिवेंट कर दिया है। सो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, यूज़ कॉल बैक क्या है। यूज़ कॉल बैक बेसिकली एक हुक है जो कि मेमोराइज्ड वर्जन रिटर्न करता है हमारे हैंडलर्स का या कॉल बैक्स का, बेस्ड ऑन वट एवर डिपेंडेंसीज वी हैव पास्ड। सो रिकैप कर लेते हैं कि यूज़ कॉल बैक हुक क्या है। यूज़ कॉल बैक हुक एक ऑप्टिमाइजेशन के लिए हुक है जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है, और ये बेसिकली मेमोराइज्ड वर्जन रिटर्न करता है कॉल बैक्स का, और सिर्फ तब अपडेट करता है कॉल बैक्स को जब डिपेंडेंसी एरे में जो भी वेरिएबल पास किया हुआ हो वो अपडेट हो, अदरवाइज ये मेमोराइज्ड वर्जन ही फंक्शन का सेंड करता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है और रेंडर्स बचते हैं। नेक्स्ट हुक है यूज़ मेमो हुक, ये भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है, और बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि ये फंक्शंस की वैल्यूज़ को मेमोराइज करता है या कैश करता है अनलेस एंड अनटिल इसकी डिपेंडेंसी एरे में जो वेरिएबल्स हैं वो अपडेट ना हो। जब वो अपडेट होंगे तो फिर ये फंक्शन से रिटर्न होने वाली वैल्यू को भी अपडेट कर देगा, अदरवाइज उस वैल्यू को ये कैश रखेगा अपने पास, और जहाँ जहाँ वो वैल्यू यूज़ हो रही होगी वो कैश वैल्यू ही सेंड करेगा। इसको कोड में चल के देखते हैं। सो ये वही हमारे पास रैपर है जो हुक के हमने लास्ट सेक्शन में देखा, काउंटर रैपर हुक। अब इसमें हम एक चीज़ एक्स्ट्रा करवाना चाहते हैं, जो कि है कि बेस्ड ऑन एज हम जज करवाना चाहते हैं कि पर्सन टाइप क्या है, क्या वो बेबी है या एडल्ट है या टीनेजर है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देंगे गेट पर्सन टाइप का, ये एक फंक्शन है जो कि बेस्ड ऑन एज डिफरेंट टाइप्स रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हम एक पी टैग ओपन करके और इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे।
इसको ब्राउज़र में रन करके देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये पर्सन टाइप हमें दे रहा है और बेस्ड ऑन डिफरेंट एजेस ये हमें बता रहा है कि पर्सन टाइप चेंज हो रही है। एवरीथिंग लुक्स गुड एट द मोमेंट। वापस कोड में जाएंगे। गेट पर्सन टाइप तो एक हमारा छोटा सा फंक्शन था जो कोई ख़ास कंप्यूटेशन नहीं कर रहा, लेकिन लेट्स से ये कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता जिसमें काफ़ी कंप्यूटेशन हो रही होती। फॉर एग्जांपल मॉक इस तरह कर लेते हैं कंप्यूटेशन को के और यहाँ पे हम 9 जीरोस ऐड कर देते हैं और आई प्लस प्लस। सो जब भी गेट पर्सन टाइप कॉल होगा पहले ये वाइल लूप चलेगा और उसके बाद ये सारी कंप्यूटेशन होगी। अब ब्राउज़र पे चल के देखते हैं कि हमारी ऐप किस तरह रन हो रही है। सो यहाँ पे इंक्रीमेंट एज पे मैंने क्लिक किया। अब आप नोट करें कि देर इज़ अ स्लाइट डिले बिफोर दिस काउंट इज़ अपडेटेड या बिफोर दिस पर्सन टाइप इज़ अपडेटेड, तो ये थोड़ा सा डिले आया। अब दोबारा से एक और चीज़ नोट करते हैं कि जब हम इंक्रीमेंट सैलरी करेंगे तो उस पर भी डिले आ रहा है, हालांकि हमने जिस मेथड में पर्सन टाइप का जो मेथड है उसमें खाली एज की स्टेट को यूज़ किया है, सैलरी स्टेट को तो यूज़ ही नहीं किया। तो हमारा पर्सपेक्टिव ये था कि जब हम इंक्रीमेंट सैलरी करेंगे तो वो फ़ौरन से अपडेट हो जाएगा बिकॉज उसके लिए हमें पर्सन टाइप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि जब आप इंक्रीमेंट सैलरी करते हैं आपकी स्टेट अपडेट होती है, आपका कॉम्पोनेंट री रेंडर होता है और कॉम्पोनेंट री रेंडर जब होता है तो गेट पर्सन टाइप दोबारा से कॉल होता है और गेट पर्सन टाइप जब दोबारा से कॉल होता है तो दोबारा ये सारी कंप्यूटेशन होती है जिसकी वजह से ये आप डिले नोट कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ मेमो। यूज़ मेमो एक और हुक है जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है और इसे हम कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि यूज़ मेमो और ये फर्स्ट पैरामीटर में लेता है फंक्शन, तो यहाँ से हम फंक्शन को कट करके पेस्ट कर देंगे और सेकंड आर्गुमेंट में ये लेता है वो डिपेंडेंसी या वो वेरिएबल जिसके चेंज होने पे इसे इस फंक्शन की कंप्यूटेशन कंप्यूट करनी चाहिए या कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे सिंस हम एज के बेसिस पे कंप्यूटेशन कर रहे हैं अपनी सारी, तो यहाँ हम एज सेंड कर देंगे, जिसका ये मतलब होगा कि यूज़ मेमो को ये फंक्शन सिर्फ तब रन करना चाहिए जब हमारी एज वैल्यू चेंज हो, अदरवाइज इसे इस फंक्शन की वैल्यू को कैश्ड रखना है और उसे ही आगे सेंड करना है। यूज़ मेमो की वैल्यू को हम सेव कर देंगे पर्सन टाइप में और पर्सन टाइप को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब ब्राउज़र में चल के देखते हैं कि अब क्या बिहेवियर है। अब हम सैलरी में इंक्रीमेंट करके देखते हैं कि क्या वो डिले अभी भी आ रहा है। तो अब आप नोट कर सकते हैं कि सैलरी के अंदर से वो डिले आना बंद हो गया है क्योंकि अब सैलरी पे पर्सन टाइप डिपेंडेंट नहीं है, तो वो कैश्ड वैल्यू यूज़ कर रहा है जो कि यहाँ पे है इन्फेंट और उसे दोबारा से गेट पर्सन टाइप का फंक्शन रन नहीं करना पड़ रहा और इस तरीके से हमारी काफ़ी हद तक कंप्यूटेशन बच रही है और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो रही है। अब हम इंक्रीमेंट एज करेंगे तो ये वो प्रॉपर डिले लेगा, बट अगेन हम सैलरी इंक्रीमेंट करेंगे तो कोई डिले नहीं होगा। तो ये तो था पर्पस रिएक्ट मेमो का। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमने इससे पहले बुक पढ़ा है यूज़ कॉल बैक, उसका भी तो सिमिलर फंक्शन ही था। तो यहाँ पे इन दोनों बुक्स के दरमियान एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये कि यूज़ कॉल बैक जो है कॉल बैक्स को कैश करके और उस कैश्ड कॉल बैक को आगे यूज़ करता है जिसकी वजह से हमारा कंपोनेंट मेमोइज हो जाता है, जबकि यूज़ मेमो हुक जो है वो कॉल बैक की रिटर्न वैल्यू को कैश करता है और उस कैश वैल्यू को वो आगे सेंड करता है जिसकी वजह से हमारा कंपोनेंट काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज हो जाता है। रिएक्ट हमें एक और इम्पॉर्टेंट हुक प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं यूज़ रेफ हुक।
ये हुक हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डॉम मैनिपुलेशन एज वेल एज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ म्यूटेबल वेरिएबल्स इन योर एप्लीकेशन। किस तरीके से ये हम कोड में जाके देखते हैं। सो ये हमारा ऐप डॉट जे एस का कॉम्पोनेंट है, इसके अंदर हम इनपुट फील्ड के कॉम्पोनेंट को कॉल कर रहे हैं। ये इनपुट फील्ड का कॉम्पोनेंट मैंने बनाया हुआ है हुक्स फोल्डर के अंदर, और ये एक सिंपल सा कॉम्पोनेंट है जिसके अंदर हम रेंडर करवा रहे हैं एक इनपुट फील्ड। अब बेसिकली मैं चाहती हूँ कि ये इनपुट जो है जब पेज मेरा लोड हो या ये मेरा कॉम्पोनेंट माउंट हो तो फ़ौरन ये मेरी इनपुट फील्ड फोकस हो जाए। तो इसको फोकस करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ रेफ का हुक। सबसे पहले हम यूज़ रेफ को इंपोर्ट करवाएंगे, उसके बाद हम यूज़ रेफ कॉल करेंगे और उसके अंदर इनिशियल वैल्यू भेज देंगे नल, और वो जो रिटर्न करेगा वो रेफरेंस हम सेव कर लेंगे एक वेरिएबल में जिसका नाम मैंने इनपुट रेफ रखा है। उसके बाद इनपुट फील्ड के अंदर जो रिजर्व्ड हमारा एट्रीब्यूट रेफ का होता है हम उसके इक्वल रखेंगे हमारा इनपुट रेफ का रेफरेंस। और अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा कॉम्पोनेंट माउंट हो तो हम अपने इनपुट फील्ड को फोकस करवा लें, तो हम यूज़ इफेक्ट को इम्पोर्ट करवाएंगे और यूज़ इफेक्ट को कॉल करेंगे और उसके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में अपनी लॉजिक सेंड कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में हम एम्प्टी एरे पास कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़ इफेक्ट सिर्फ ऑन माउंट चले या कॉम्पोनेंट माउंट होने पर रन हो। अब यहाँ पे हम किस तरीके से अपने इनपुट फील्ड को फोकस करवा सकते हैं, हम कॉल करेंगे इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, और इस तरीके से हमारी इनपुट फील्ड फोकस हो जाएगी। अब ये डॉट करंट की प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, ये रिएक्ट खुद ऐड करता है रेफरेंस के अंदर, और इस डॉट करंट प्रॉपर्टी के थ्रू हम जिस भी डॉम नोड को हमने ये रेफरेंस पास किया है वो फोकस या वो गेट कर सकते हैं। तो यहाँ इनपुट रेफ डॉट करंट से हमारे पास ये इनपुट फील्ड आ गई और डॉट फोकस से ये फील्ड फोकस हो जाएगी। ब्राउज़र में इसका बिहेवियर देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने जैसे ही अपना कॉम्पोनेंट या अपना पेज रीलोड किया है तो हमारे पास इनपुट फील्ड फोकस्ड फॉर्म में आई है। तो ये तो था यूज़ रेफ का एक यूजेज जिसके थ्रू हम डॉम नोड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका सेकेंड यूजेज है कि अगर आपकी ऐप में कोई इस तरह की म्यूटेबल वैल्यूज़ हो जिनको आप एक्सेस करना चाहते हो थ्रू आउट योर एप्लीकेशन, और आप चाहते हो कि जब उनकी वैल्यूज़ चेंज हों तो आपका कॉम्पोनेंट भी रेंडर ना हो और वो आपको हर रेंडर के अंदर मौजूद मिले अपनी एप्लीकेशन में, तो उन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यूज़ रेफ। वापस कोड में जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक हुक बनाया हुआ है काउंटर टू हुक के नाम से, जो कि एक काउंटर चला रहा है और उस काउंटर की वैल्यू ये डिस्प्ले कर रहा है एक पी टैग में। साथ ही हमारे पास एक बटन है जिस पे क्लिक करने से हम चाह रहे हैं कि वो इंटरवल क्लियर हो जाए और हमारा काउंटर स्टॉप हो जाए। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा काउंटर चल रहा है। तो यूज़ इफेक्ट यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कॉम्पोनेंट डेड माउंट में हमने ये काम करवाया हुआ है कि हम इंटरवल सेट करवा रहे हैं 1 सेकेंड का, और इस पर कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले काउंटर। डिस्प्ले काउंटर के अंदर क्या हो रहा है कि हम अपने काउंट को +5 कर रहे हैं, और उसके बाद यहीं पे इस यूज़ इफेक्ट में हम रिटर्न करवा रहे हैं क्लियर इंटरवल, और उसमें पास कर रहे हैं अपने इंटरवल की आईडी, जिससे हम ये इंश्योर करवा सकते हैं कि जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हो तो ये इंटरवल भी स्टॉप हो जाए। अब यहाँ पर हम ऑन क्लिक पे चाहते हैं कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो भी हमारा इंटरवल स्टॉप हो जाए और काउंटर इंक्रीमेंट होना बंद हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम कॉल कर लेंगे क्लियर इंटरवल। अब क्लियर इंटरवल डिमांड करता है कि हम इसमें सेंड करें अपने इंटरवल की आईडी जिस इंटरवल को हमने स्टॉप करवाना है या क्लियर करवाना है। तो अगर आप नोट करें तो ये आईडी हमारी यूज़ इफेक्ट के अंदर डिक्लेयर हुई हुई है। अब अगर मैं यहाँ पर काउंटडाउन को कॉल करूंगी तो देखते हैं ब्राउज़र क्या कहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है काउंटडाउन इज़ नॉट डिफाइंड, विच इज़ ऑब्वियस क्योंकि हमारे कंपोनेंट को नहीं पता कि काउंटडाउन क्या है सिंस ये काउंटडाउन यूज़ इफेक्ट के अंदर डिक्लेयर हुआ है।
तो हमें काउंटडाउन को यूज़ रेफ को यूज़ करते हुए एक ऐसा वेरिएबल बनाना होगा कि इसे हम थ्रू आउट आर कॉम्पोनेंट यूज़ कर सकें। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यूज़ रेफ को इंपोर्ट करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाएंगे जिसे हम कह देंगे काउंटडाउन रेफ, और इसकी वैल्यू होगी जो कि यूज़ रेफ रिटर्न कर रहा होगा। यहाँ पे हम काउंटडाउन डॉट करंट की वैल्यू सेट करवाएंगे जो कि सेट इंटरवल से हमें आईडी रिटर्न हो रही होगी वो कांस्टेंट हटा देंगे। और यहाँ पे अब जब हमें ये आईडी की ज़रूरत है तो हम इसी तरीके से काउंटडाउन डॉट करंट लिख के और इसे एक्सेस कर लेंगे, और यहाँ पे जहाँ हम इंटरवल क्लियर कर रहे हैं वहाँ पे भी काउंटडाउन डॉट रेफ डॉट करंट सेंड कर देंगे। अब वापस हम एप डॉट जे एस में जाते हैं और इनपुट फील्ड को करते हैं कमेंट, और यहाँ पे हम कॉल करवा लेते हैं काउंटर टू हुक को। सो आप देख सकते हैं कि हमारा काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है एक एक सेकंड बाद। क्लियर काउंटर पे मैं क्लिक करूँगी और अब मेरा काउंटर स्टॉप हो गया, विच मीन्स मेरा इंटरवल स्टॉप हो गया। तो ये तो कुछ यूजेस थे यूज़ रेफ के। अब हम देखेंगे कस्टम हुक्स को। कस्टम हुक्स एक और फीचर है जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है, जिसको यूज़ करते हुए हम खुद से एक हुक क्रिएट कर सकते हैं। कुछ हुक्स जो हैं वो रिएक्ट में प्री बिल्ट हैं या इन बिल्ट हैं, जबकि साथ साथ रिएक्ट हमें ये एबिलिटी भी दे रहा है कि हम कस्टम हुक्स भी क्रिएट कर सकें। सो फर्स्ट रूल, कोई भी आप कस्टम हुक बनाने लगें तो पहली चीज़ जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये कि आपका हुक यूज़ के कीवर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल यूज़ काउंटर, फॉर एग्जांपल यूज़ टाइमर, फॉर एग्जांपल यूज़ टाइमर, यूज़ काउंटर वगैरह वगैरह। जब आप यूज़ कीवर्ड लगाते हैं तो फिर रिएक्ट उसे हुक समझता है और फिर वो हुक की सारी एबिलिटीज़ उसके अंदर इनेबल कर देता है। अगर आप यूज़ नहीं लगाएंगे तो वो उसे हुक नहीं समझेगा या उस कॉम्पोनेंट को नहीं समझ आएगा कि ये एक हुक है, और हुक वाली फैसिलिटीज़ वो उस कॉम्पोनेंट पे अवेल नहीं कर सकेगा। सो आप कस्टम हुक्स बना के दूसरे हुक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और एक कस्टम हुक के अंदर इनबिल्ट हुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई कोड में चल के इसका एक डेमो लेते हैं। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा काउंटर है, ये हमने पहले भी देखा था। इसके अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एक बटन है, इसके अलावा काउंट हमारा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हैंडलर्स हैं, और यूज़ इफेक्ट में हम डॉक्यूमेंट का टाइटल अपडेट करवा रहे हैं बेस्ड ऑन काउंट जो कि हम स्टेट से गेट कर रहे हैं। अब यहाँ हम चाहते हैं कि ये जो यूज़ इफेक्ट वाला काम है ये हम उठा के कस्टम हुक में एक कस्टम हुक बनाएं और उसमें डाल दें ताकि ये लॉजिक मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो सके। जिस तरह से हमने हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि सिमिलर लॉजिक को ग्रुप करने के लिए हम एक कॉम्पोनेंट बना देते हैं हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट के नाम से, जिसमें फिर हम कोई भी कॉम्पोनेंट सेंड करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म होके न्यू कॉम्पोनेंट में तब्दील हो जाता है। इसी तरह हम कस्टम हुक्स इसलिए बनाते हैं कि जो हमारी स्टेटफुल लॉजिक है उसे हम एक जगह पे ग्रुप कर सकें और बार बार हमें डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में सेम लॉजिक को बार बार लिखना ना पड़े, हम सिंपल कस्टम हुक को इंपोर्ट करवाएं और उसे यूज़ कर लें। तो यहाँ पे अब ये जो लॉजिक है जिसमें हम डॉक्यूमेंट टाइटल को अपडेट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं एक कस्टम हुक में डालना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक कस्टम हुक बनाया है यूज़ काउंटर के नाम से। ये कस्टम हुक रिसीव कर रहा है एक पैरामीटर, और ये वो पैरामीटर है जिसको हमने यूज़ करना है डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल को अपडेट कराते हुए। और यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट का एक फंक्शन कॉल, यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट का हुक कॉल करूँगी जिसके फर्स्ट पैरामीटर में मैं सेंड कर दूँगी अपनी लॉजिक डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल को अपडेट करवाने वाली, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डिपेंडेंसी एरे में मैं अपना आर्ग्यूमेंट जो मैंने सेंड करवाया था यूज़ काउंटर के अंदर वो डाल दूंगी। और उसके डालने का मकसद ये है कि एवरी टाइम काउंट चेंजेस तो ये मेरा यूज़ इफेक्ट ट्रिगर हो।
अब यहाँ देख सकते हैं आप कि मैंने रिटर्न कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि रिटर्न हमें इसमें इस स्पेसिफिक एग्जांपल में नहीं करवाना कुछ भी, हमें सिंपल यूज़ इफेक्ट की फंक्शनैलिटी को एक जगह पे रखना था, तो हमने वो करवा दिया। अब देखते हैं कि हम इस यूज़ काउंटर को यूज़ किस तरह कर सकते हैं। वापस जाएंगे अपने काउंटर के कॉम्पोनेंट के अंदर, यहाँ पे हम इंपोर्ट करवाएंगे अपने कस्टम हुक को। इंपोर्ट करवाने के बाद जहाँ हमने यूज़ इफेक्ट की लॉजिक लिखी थी इसे हम डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे सिंपल हम यूज़ काउंटर को कॉल कर लेंगे और इसके अंदर सेंड कर देंगे वो पैरामीटर जो कि टाइटल में डिस्प्ले होगा। तो अब ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि क्या हमारा टाइटल अपडेट हो रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं कि काउंटर ज़ीरो हमारे पास आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा कॉम्पोनेंट जब माउंट हुआ है तो कस्टम हुक चला है और उसने टाइटल को अपडेट किया है। अब इंक्रीज करके देख लेते हैं, जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो काउंट चेंज हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं तो काउंट चेंज हो रहा है, जिसका मतलब है कि हमारा हुक, कस्टम हुक जो हमने बनाया है, परफेक्टली काम कर रहा है। अब एक और सिनेरियो देख लेते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा कस्टम हुक ना सिर्फ यूज इफेक्ट चलाए बल्कि कुछ मेथड्स भी रिटर्न कर रहा हो। वापस जाते हैं अपने यूज़ काउंटर में, यूज़ काउंटर में जाके हम चाहते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज जो हम काउंट को कर रहे हैं उनके हैंडलर काउंटर हुक में रखने के बजाय वो भी हम यूज़ काउंटर के अंदर डाल दें, ताकि यूज़ काउंटर का हुक कोई भी कॉम्पोनेंट यूज़ करे तो उसे अपने हैंडलर्स ना लिखने पड़े इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के, और वो यही हैंडलर्स यूज़ कर सके। तो वापस काउंटर हुक में जाएंगे और यहाँ से हैंडलर्स को कट करेंगे और यूज़ काउंटर के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे हमने जो भी पैरामीटर्स या जो भी मेथड्स को रिटर्न करवाना है एक एरे की फॉर्म में। सो यहाँ हम रिटर्न करवाएंगे इंक्रीमेंट काउंट, डिक्रीमेंट काउंट, और सिंस यहाँ पे ये दोनों हैंडलर्स जो हैं स्टेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से हम स्टेट उठाएंगे और इस स्टेट को हम मूव कर देंगे कस्टम हुक के अंदर। और साथ ही यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे स्टेट भी जो कि काउंट है। अब वापस जाते हैं काउंटर हुक में, यहाँ पे हमने यूज़ काउंटर को इंपोर्ट करवाया हुआ है। अब हम यूज़ काउंटर से क्योंकि कुछ रिटर्न करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम रिटर्न वैल्यू को गेट कर लेंगे। सबसे पहले हम गेट करेंगे काउंट को, फिर इंक्रीमेंट काउंट को, और फिर डिक्रीमेंट काउंट को। और ये सारी जो चीज़ें हमें रिटर्न कर रहा है हमारा कस्टम हुक, इसे हम अपने रेंडर या रिटर्न स्टेटमेंट में यूज़ कर लेंगे। यूज़ काउंटर में यहाँ पे यूज़ इफेक्ट को भी इंपोर्ट करवा लेंगे, सॉरी यूज़ स्टेट को भी इंपोर्ट करवा लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी पास करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम स्टेट को यहीं पे हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा काउंटर दोबारा से रेंडर हो गया है। अब हम इंक्रीज़ करवा रहे हैं तो वो भी सही काम कर रहे हैं, डिक्रीज करवा रहे हैं तो वो भी सही काम कर रहे हैं। तो ये तो तरीका था कस्टम हुक्स बनाने का और कस्टम हुक्स को कुछ डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ करने का। सो इस लेक्चर में हमने कवर किए हैं हुक्स, और स्पेसिफिकली हमने कवर किया है यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ, यूज़ कॉल बैक, रिएक्ट मेमो और यूज़ मेमो को। इसके अलावा बहुत सारे हुक्स अवेलेबल हैं जैसे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ रिड्यूसर, और बहुत सारे इस तरह के हुक्स हैं जो कि आप मज़ीद स्टडी कर सकते हैं रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन से। मैंने वो हुक्स कवर किए हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या वाइडली यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हुक्स के ज़रिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।